अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। अल्लाह मियाँ यूं ही आप लोगों को हमेशा हंसता मुस्कुराता रखें। तो जनाब, ये है हम लोग का घर और इधर ये ऊपर वाले पोर्शन में शाइस्ता भाभी हैं जिनका बेसिकली घर है, और इधर नीचे वाले पोर्शन में हम लोग रहते हैं। उनके बेटे की शादी है हुई है पिछले वीक, तो बस उसकी मेहंदी अटेंड की हमने, बड़ी हैपनिंग सी मेहंदी थी, तो सोचा चलो छोटा सा एक ब्लॉग बनाती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा, तो देखिएगा ज़रूर। थैंक यू। दरवाजे को कुंडी मारो, कोई ना बच के जाने पाए, डीजे को समझा दो म्यूजिक गलती से भी रुक ना जाए। तगड़ा तगड़ा जो फील करे वो जाके तो रेड बुल गटक ले, जिसको डांस नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चराए। बस आज की रात है, कल से वही से आपे है, जी भर के नाच लो, ना घर वाले ना मापे है, जब पे अपना राज है, करने की क्या बात है, ये तो बस शुरुआत है, ये तो बस शुरुआत है। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो ये था सारा इनका ये मेहंदी का सामान, और बेसिकली इसके अंदर जो मुझे चीज़ अच्छी लगी वो ये था कि ये बड़ी इंट्रिकेसी से बना हुआ है। मतलब इसको अगर मैं बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं ले पाई इन चीज़ों को, लेकिन ये इतना अच्छा बना हुआ था, और जिसने भी बनाया है इसमें बहुत छोटी छोटी डिटेलिंग्स हैं। ये मटके देखिए, ये इतने क्यूट लग रहे थे मुझे कि सीरियसली इस पर इतना काम किया हुआ है किसी ने, तो जिसने भी किया है वो बहुत खूबसूरत था। और ये अम्ब्रेलास भी बहुत प्यारी लगी, मेरी बेटियाँ बड़ी देर इनको ले लेके फिरी, ये वेलवेट के ऊपर उन्होंने लेसेस से इसको डेकोरेट किया हुआ था। तो बेसिकली इस सारे काम को देख के, मेहंदी है वो एक अपनी एक हल्ला गुल्ला होता है, लेकिन ये जो सारी चीज़ें थी ये हमारे ज़माने में भी हुआ करती थी, लेकिन इतनी डिटेलिंग्स और इतनी एलैबोरेटेड नहीं थी। सो इसलिए मैंने इसको शूट किया कि भाई मैंने तो सच्ची इस तरह वाला, ये इतना इंट्रिकेट सामान बहुत मुझे अच्छा लगा देख के, कि जिसकी भी क्राफ्टमैनशिप थी वो बहुत अच्छी थी, बड़ी बड़ी सफाई से और बड़ी क्रिएटिविटी से ये बना हुआ था। और जो मटेरियल्स यूज़ हुए हुए थे, फोम शीट्स हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन उसको यूज़ इतना खूबसूरती से किया हुआ था कि वो एक जो प्रोडक्ट निकल के आ रहा था वो बहुत कलरफुल और बहुत हैपनिंग था। We'll be right back.
एंटर होना था हॉल में, और ये भी जो इन्होंने चीज़ें उठाई हुई थी, ख़ासतौर पर ये जो नेट की है लड़कियों ने ये पकड़ी हुई है, ये बड़ी प्यारी बनी हुई, मैंने पास से देखी तो इट वॉज़ सो ब्यूटिफुली क्रिएटेड, इतने अच्छे से नीटली फूल लगे हुए थे, बहुत अच्छे लग रहे थे ये भी। अब जी बारी थी लड़की वालों की, अब इन्होंने एंटर करना था हॉल में, तो ये सारा थी लड़की वालों की तैयारी। ये इधर अपनी चीज़ें कंपाइल कर रहे थे और अभी ये अपनी उसको प्लान आउट कर रहे थे किसने क्या पकड़ना है और किस तरह दुल्हन को लेकर आना है। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा इनका पोर्शन भी बनाते हैं, ये किस तरह आए और सारा। तो मेरा ख्याल ये दुल्हन की बहनें होंगी, मैं ज़्यादा नहीं जानती थी इनको, लेकिन आई होप सो कि ये दुल्हन की बहनें थी। तो इनकी भी बाकी की चीज़ें आपको शो करती हूँ। बस इनकी एंट्री भी बड़ी क्यूट थी, इन्होंने एक टाइम पे बिल्कुल अंधेरा किया हॉल में, और उस पर जब सारी फोकस लाइट और जो थारा सारा फोकस था वो लड़की पर आया, तो वो भी दुल्हन भी बहुत अच्छी लग रही थी और अच्छा लगा वो भी एंट्री, मज़े की एंट्री थी उसकी भी। अब ये लड़की वालों ने हॉल में एंटर कर गए थे, ये लोग आ रहे थे आहिस्ता आहिस्ता। तो ये अभी इन्होंने यहाँ पे अंधेरा नहीं किया हुआ, आगे मैंने वो पोर्शन लिया है जहाँ पे इन्होंने बिल्कुल अंधेरा कर दिया हुआ था हॉल में। आई होप आपको ये मेहंदी व्लॉग अच्छा लगा होगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में या क्राफ्टिंग वीडियो में इंशाल्लाह। सी यू सून, और बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में बहुत याद रखिएगा।